ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। क्रिस्त में उपस्थित प्यारे विश्वासी साथियों, आज हमारे जीवन में प्रभु ने फिर से एक मौका दिया है उसके नाम की स्तुति करने का, उसके नाम की महिमा गाने का, उसकी आराधना करने का। हम उस नाम को पुकारें जिस सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए हम सब मिलकर के उस यीशु को पुकारें जो हमारे जीवन में मुक्ति लेकर के आता है, शांति लेकर के आता है। उसके नाम का जयकार करें क्योंकि वही हमारे जीवन को आगे चलाता है। आइए हम खुशी के साथ अपने हृदय को खोलते हुए उस प्रभु के सामने, उसके सामने आए और उसकी स्तुति करें और उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद करते प्रभु यीशु कि आज आपने हम सब मनुष्य को एक और अवसर दिया है प्रभु यीशु, आपके निकट आने का, आपके नाम की स्तुति करने का प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करने का प्रभु यीशु। हम सभी हृदय की गहराइयों से प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देती हैं प्रभु यीशु। मेरा कंठ निरंतर तेरी स्तुति करता है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, सारी महिमा सारी आदर की योग्य केवल तू ही है मेरे प्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। तुझे धन्यवाद यीशु।
अध्याय 91 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। हाँ प्रभु यीशु, हम सब कुछ में आपको अपना सर्वस्व मानते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, जब हम आपकी पनाह में आते हैं, आपकी शरण में आते हैं प्रभु यीशु, हमारी हर एक दुख तकलीफें चिंताएं प्रभु यीशु दूर हो जाती है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपके नाम में हम आए हैं प्रभु यीशु, हमारी चिंताओं को, हमारी तकलीफों को, हमारे दुखों को प्रभु यीशु इस समय हम आपके चरणों पर समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हमें कहीं और शांति नहीं मिल सकती है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आप मेरे शांतिदाता हैं, आप मेरे मुक्तिदाता हैं प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, हृदय से अपने प्रभु को पुकारती हूँ प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, तू जब मेरे साथ है प्रभु यीशु, मेरी मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है प्रभु यीशु। धन्यवाद हो यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, यीशु। धन्यवाद यीशु, आपकी जय जयकार हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है प्रभु यीशु, हम आपके नाम को जपते प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, आपने मेरे जीवन में मुक्ति लाई है प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में चंगाई लेकर क्या है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो, मेरा कंठ निरंतर आपकी स्तुति करता है प्रभु यीशु, सुबह हो या शाम हो प्रभु यीशु, मेरे मुख से सिर्फ यीशु का पवित्र नाम निकले प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपके नाम में सामर्थ्य प्रभु यीशु, आपके नाम के कारण प्रभु यीशु हर एक जीवन में चंगाई मिलती है प्रभु यीशु, आशीष आती है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, उस नाम को मैं पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से सिम पुकारती हूँ प्रभु यीशु। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जो मेरी मुक्ति है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, 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 यीशु। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 21 कहता है, तुमको उसकी स्तुति करना चाहिए, वह तुम्हारा ईश्वर है, उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। हाँ प्रभु यीशु, आपने मेरे जीवन में कई आश्चर्यजनक कार्य किए प्रभु यीशु, जिन बातों की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी प्रभु यीशु, उन बातों को आप मेरे जीवन में लेकर क्या है प्रभु यीशु।
आपके पावन नाम के कारण मेरे जीवन में इतनी आशीष और कृपाएं आई हैं प्रभु यीशु। आज प्रभु मैं उन बातों को याद करती हूँ और तुझे धन्यवाद देती हूँ यीशु कि ये सब कृपाएं आपके द्वारा मेरे जीवन में आई हैं प्रभु यीशु। यीशु आपका नाम मंगलकारी नाम है प्रभु यीशु, आपका नाम एक चमत्कारिक नाम है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, जब मैं दुख में, पीड़ा में और तकलीफ में थी प्रभु यीशु, इस चमत्कारी नाम के कारण प्रभु यीशु मेरे जीवन में चंगाइयां मिली है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, इस संसार में कोई भी ऐसा नाम नहीं है प्रभु जो मुझे शांति दे सकता है, जो मेरी मुक्ति कर सकता है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, इस पल में मैं उस पवित्र नाम को, यीशु के नाम को पुनः अपने मन से, अपने हृदय से आराधना करती हूँ, स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु यीशु, कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी कठिन क्षण मेरे जीवन में क्यों ना आए प्रभु यीशु, इस संसार के सभी प्राणी मुझे त्याग देंगे प्रभु यीशु, लेकिन प्रभु तू मेरे साथ में हर एक कदम, हर एक क्षण मेरे साथ चलता रहेगा प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 68 पद संख्या 5 में, ईश्वर के आदर में गीत गाओ, उसके नाम का भजन सुनाओ, जो बादलों पे विराजमान है उसकी स्तुति करो, प्रभु उसका नाम है, उसके सामने आनंद मनाओ। हाँ प्रभु यीशु, कितनी सुंदर है आपके ये वचन जो मुझे आपके प्रेम की और नज़दीक लेकर के आते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, जो आप बादलों पर विराजमान है प्रभु यीशु, आप हर एक क्षण, हर एक पल हम सबकी थाह लेते हैं, आप देखते रहते हैं प्रभु कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं प्रभु यीशु। जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती है प्रभु यीशु, आप उन कठिन क्षणों को हमसे दूर करते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, सिर्फ मेरे मुंह से, सिर्फ मेरे मुख से यीशु के नाम को पुकारना है प्रभु यीशु। यदि मैंने अपने ईश्वर को, अपने प्रभु यीशु को अपने मन से पुकारा है, तो मेरे जीवन में जो भी तकलीफें आएंगी, हाँ प्रभु यीशु, वो मेरे आनंद का कारण बनेंगे प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ में सदा सर्वदा साथ रहते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आप इस संसार में इसलिए ही आए प्रभु कि मेरे जीवन में खुशियाँ आए, मेरे जीवन में शांति आए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, इस पल में प्रभु हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, इतने सुंदर और आश्चर्यजनक मेरे जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु यीशु, इतनी आशीष और जो कृपाएँ आपने दी है प्रभु यीशु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में कई लोगों के हृदय टूट चुके हैं, वे मन से हताश और निराश हो चुके हैं प्रभु यीशु, पारिवारिक अशांति बढ़ी हुई है। हाँ प्रभु यीशु, आज इस पल में हम ऐसे परिवारों को, ऐसे व्यक्तियों को प्रभु यीशु, जो हृदय से टूट चुके हैं, जिनका मन प्रभु यीशु भटक रहा है प्रभु यीशु, वे दुख में पड़े हुए हैं, पीड़ा में पड़े हुए हैं प्रभु यीशु, हम आपको पुकारते हैं प्रभु यीशु कि प्रभु आपके द्वारा ही उनके जीवन में मुक्ति आ सकती है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, उन रिश्तों को और कोई नहीं सुधार सकता है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आप ऐसे परिवारों में आ जाइए प्रभु यीशु, जिनके परिवार टूट चुके हैं, जिनका मन प्रभु यीशु बहुत हताश और निराश है प्रभु यीशु, शैतान उनके जीवन में कई प्रकार की रुकावटें डालता है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हम इस समय विश्वास करते हैं प्रभु, यदि वे सच्चे हृदय से आपके नाम को पुकारेंगे प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, तो उनके जीवन में वो जो सब कुछ असंभव है प्रभु, संभव हो जाएगा प्रभु यीशु। पूरे मन से, पूरी आत्मा से महसूस करें कि इस पल में यीशु आपके करीब में है, यीशु आपकी हर एक बातों को सुन रहे हैं, आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आज आप उसके द्वार से, आज आप कुछ शरण से खाली हाथ लौट करके नहीं जाएंगे। प्यार से पुकारिए, पूरे विश्वास के साथ उस नाम को पुकारिए जो आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगा प्रभु। हाँ यीशु, हम सभी आपके पवित्र नाम को पुकारते प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, जब हम आपके नाम को पुकारते प्रभु यीशु, आप हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी बातों को कभी अनसुना नहीं करते प्रभु यीशु। हाँ धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम इसाइस के ग्रंथ में अध्याय 41 पद संख्या 10 में देखते हैं, जो एक बहुत ही शक्तिशाली वचन है। वचन कहता है,
डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल लूँगा। हाँ प्रभु यीशु, आपके नाम भी वो मुक्ति है। यीशु, आपने हमसे वादा किया है कि आप दुनिया के अंत तक हम सबके साथ में रहेंगे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, ऐसे क्षणों में जब हम बहुत ही निर्बल और दुर्बल बन जाते प्रभु यीशु, कोई भी हमारे साथ में नहीं रहता है प्रभु, तब प्रभु सिर्फ तू ही हमारे साथ में रहता है। एक सच्चे मित्र के समान में, माता पिता के समान में, भाई बहन के समान में, जो हमारे हाथों को पकड़कर हमें हर एक कदम पर आगे ले चलता है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हम यही नाम को पुकारते हैं, यीशु नाम को पुकारते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, तू कभी भी हमारा परित्याग नहीं करेगा प्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, तेरा जय जयकार हो। हम सब मत्ती के अध्याय 8 में देखते हैं, ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। हाँ प्रभु यीशु, जिस प्रकार से उस कोढ़ी ने आपको पुकारा था, वो बहुत ही अनुनय के साथ, विनय के साथ में आपके पास आता है प्रभु यीशु। उसे मालूम था सिर्फ आप ही उसे जगा कर सकते प्रभु यीशु, और जब वो आता है, आप सिर्फ अपने हाथों को बढ़ा करके और अपनी शब्दों से कहते हैं तुम शुद्ध हो जाओ। हाँ प्रभु यीशु, इस समय हम भी यही चाहते हैं कि प्रभु आपके मुख से हम सभी के लिए भी वही शब्द निकले कि तुम शुद्ध हो जाओ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, हम पाप में डूबे हुए हैं, हम पड़े हुए, जिसके कारण से हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां आई हुई हैं, हमारे परिवारों में अशांति बनी हुई है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपका एक शब्द आपके मुख से निकलेगा और हमारी हर एक तकलीफें दूर हो जाएगी प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आज प्रभु उस नाम के आगे हम सब घुटने टेकते हैं जो पवित्र नाम है, जो महान नाम है, यीशु का नाम, सर्वशक्तिमान नाम प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। आपके नाम के समान कोई भी नाम नहीं है प्रभु यीशु। मेरा कंठ निरंतर तुझे धन्यवाद देता है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, जब ये परेशानियां तकलीफें आए प्रभु, तब मैं निर्बल और दुर्बल ना बनूं प्रभु यीशु। हाँ मुझे सिर्फ विश्वास करना है प्रभु कि तू मेरे साथ में है, मेरे साथ में चलेगा प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, हम कई बार आपसे दूर हो जाते हैं और कई बार आपसे भटक भी जाते हैं प्रभु यीशु, तब आप ही हमारे जीवन में आकर के हमें संभालते हैं प्रभु यीशु। आपकी इतनी करुणा के लिए प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती है, तो मुझे तेरी सांत्वना का ही सहारा मिलता है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, ये चिंताएं, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये सिर्फ एक परीक्षा मात्र हैं जो मुझे आपसे दूर भटकाती है प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्रभु यीशु, ऐसे पलों में आप ही मुझे संभालते हैं। यीशु का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वही मुझे संभालता है। वचन कहता है संत योहन अध्याय 14 पद संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। जब हम विनीत और कृतज्ञ हृदय के साथ में उस यीशु के पास भी जाते हैं, वो हमारी हर एक बातों को स्वीकार करता है। आज हमें चाहिए कि हम भी अपने हृदय से शुद्ध बने, पवित्र बने और उसके पास में जाए, ताकि यीशु हमारी हर एक बातों को, हर एक प्रार्थनाओं को, हर एक निवेदनों को स्वीकार करे, जिससे हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में शांति आ सके प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, ये बोझ जो मेरे जीवन में है प्रभु, इस समय मैं आपके चरणों पर समर्पित करती हूँ प्रभु यीशु। जो चिंताओं का बोझ है, जो दुखों का बोझ है प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु,
मुझे मालूम है कि आपके चमत्कारिक नाम से, आपके मुक्तिदायक नाम से ही यीशु ये दूर हो सकते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मेरे मुख से सिर्फ आपका ही प्रेम भरे शब्द निकले यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, स्तुति हो प्रभु यीशु, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर अपने हृदय की गहराई से अपने मुक्तिदाता की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, और हम सब मिलकर कहें, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु आपके नाम में ही सामर्थ्य है, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु का नाम लेने से हर बंधन टूट जाते हैं, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु का नाम भजने से जीवन में शांति मिलती है, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु का नाम लेने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु का नाम लेने से विपत्ति और संकट दूर हो जाते हैं, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु का नाम लेने से शैतानी शक्तियां दूर भाग जाती हैं, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु ही मेरी हर समस्याओं का हल है, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम में ही सच्ची खुशी व आनंद है, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम में चंगाई मिलती है, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद। हाँ यीशु, हम हर एक बातों के लिए, हर एक वरदान के लिए, हर एक कृपाओं के लिए जो आपने मुझ पापी के जीवन में दी है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, तेरी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मैं जानती हूँ आप राजाओं के राजा हैं, आपके नाम में शांति है प्रभु यीशु। आज मेरे जीवन में फिर से एक मौका मिला है, मैं उस शांति को महसूस करूं। हाँ प्रभु यीशु, आज जो भी भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु यीशु, वे बड़े बोझ के साथ, बड़ी दीनता के साथ आपके पास आए हैं प्रभु यीशु, उन्हें खाली हाथ न लौटने दे मेरे यीशु। हाँ प्रभु, हम तुझ पर ही विश्वास करते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, जो कार्य हम मनुष्य के लिए असंभव है प्रभु, वो आपके पवित्र नाम लेने से संभव हो जाते हैं। इस समय हम हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है विश्वास करें कि प्रभु यीशु हमें अपनी शांति दे रहा है, हमें अपने प्रेम से भर रहा है, हमें अपनी चिंगाई से भर रहा है। हाँ प्रभु यीशु, आपने अपने जीवन का बलिदान दिया मेरी मुक्ति के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आज मेरे घर में आपकी मुक्ति आए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आज मैं उस मुक्ति को लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ प्रभु यीशु। प्रभु मुझे खाली हाथ न जाने दे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मैं रोते हुए अपने हृदय से प्रभु यीशु पश्चाताप करते हुए अपने हर एक पापों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हुए प्रभु यही कहता हूँ प्रभु यीशु कि प्रभु मेरे परिवार को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु यीशु, जो बंधन बने हुए हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, शायद इनके कारण मेरे जीवन में ये तकलीफें हैं। हाँ प्रभु, सिर्फ हर एक जन को यह विश्वास करना है, यीशु का नाम जो सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, हमें हर एक मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है। छुटकारा दिलाने वाला नाम सिर्फ यीशु का नाम है। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु।
धन्यवाद धन्यवाद यीशु।